उसको टिकट भी मिला है तो शाम से आपके विपक्ष में खड़े हैं, कांग्रेस से टिकट मिला है तो कोई विरोधी को तो मिलेगा ही, विरोधी है कोई ना कोई सामने आएगा। जहाँ तक विरासत की बात है, मैंने कहा विरासत जो है काम की होती है, चौधरी बंसीलाल जी का नाम है। रुक्मिणी मैडम किरण चौधरी जी को गांव की तरफ से पगड़ी पहना कर स्वागत करें। रुक्मिणी चलो चल देवेंद्र शर्मा जी अपनी तरफ से भेंट करेंगे मैडम किरण चौधरी। शिव शंकर भगवान हाँ जी। मेरे पास तो ये सारे तैरने वाले जी मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं गांव लोहानी में पहुंचने पर डीएम साहब बैंक के डायरेक्टर भी है जी। हाँ जी श्री लोहानी बाबा जो पवित्र भूमि में और इस रमसान में जो मैडम किरण चौधरी का हम सभी गांव वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं सभी गांव वालों की तरफ से मैडम जो है पहली बार हरियाणा सरकार हरियाणा की तरफ से राज्यसभा मेंबर मनोनीत हुई है उसके लिए मैं गांव वालों की तरफ से बधाई देता हूँ। आज चुनाव तो बिल्कुल बच चुका है और सभी नेता अपने अपने फार्म भरने के लिए कोई कल कोई परसों दो तीन दिन का यह समय है और सभी तैयारी में लग रहे हैं। हमें मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया और भारत इतने गर्दिश में जा रहा था कि दसवें नंबर पर था और आज के दिन सुरक्षा की दृष्टि से भी चाइना पाकिस्तान हमारे तरफ देख नहीं सकते। इस तरह से मोदी जी ने अंदर का स्ट्रक्चर भी जो सड़क बिजली पानी रोड एम्स वगैरह जो पाँच पाँच दस दस थे वो सैकड़ों में हो गए। इस तरह से एजुकेशन वगैरह में भी और गांव गांव में भी जो सड़क बिजली पानी का पूरा ध्यान रखा गया और ये जो जमींदारों को पैसा दिया गया किसान निधि के द्वारा, इस तरह से अनेकों ऐसी योजनाएं हमारे भारत सरकार ने हरियाणा सरकार ने लागू की। और आप सबको पता भी है अगर मैं गिनाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि मैडम जी ने भाषण देना है। मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये बताना चाहता हूँ कि किसी के बहकाव में न आए। कोई कहेगा मैं आपकी बरादरी का हूँ, कोई कहेगा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो इस तरह से हमारी बीजेपी जो पार्टी ने जो काम किया उसको आगे बढ़ाना है। अगर किसी ने बहका के अगर किसी सीट को खराब कर दिया तो पीछे फिर पिछड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि जो भी स्टेट कांग्रेस की रही वो इतनी पिछड़ गई, उनके पास उनके इम्प्लाइज को आज हिमाचल में उनके इम्प्लाइज को पैसा देने को नहीं है। ऐसी गलती किसी तरह से किसी भी सूरत में लोग बाग यहाँ आएंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। आप लोगों ने देखा है कि भिवानी जब शुरू होता था तो सड़क बिल्कुल ये पता लग जाता था कि भिवानी आ गया और हम रोहतक से निकल लिए, तो इतना दोगला व्यवहार उन्होंने सिवाय प्रॉपर्टी बेचने के प्रॉपर्टी डीलिंग करने के एक दामाद को पालने के और कोई काम नहीं किया। ये तूफान जो है ये हरियाणा के नक्शे पे पहले नंबर पर हरियाणा तो होगा ही, लेकिन हरियाणा में भी 90 विधानसभा में श्रुति चौधरी की उसमें और आपके उसमें, क्योंकि आप तो अब सेंटर में चलेंगे वहाँ का सारा धन हमारे हरियाणा में और हरियाणा में तुसान में लगवा देंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ बोलो भाई जिताओगे।
भारी बहुमत से। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत ही भाई सत्यनारायण जी, चाचा मनोहर जी, मेरे पूजनीय बुजुर्गों व सम्मानित साथियों, मैडम जी को हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैडम जी हर एक गांव में ग्रांट दिलाती थी। हमारे गांव में मैडम जी के सहयोग से पिछले 10 वर्षों में 35 करोड़ रुपया आया है, जो कि एक उदाहरण है। इसमें मैडम जी का पूरा सहयोग है। ये ग्रांट भी दिला देती थी और पता नहीं लगने देती थी। उधर को साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने अनेक योजनाएं चलाई हुई है। गरीब को अन्न भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, कुछ नाम मात्र पैसे में तेल भी मिलता है, राशन भी मिलता है, और मोदी जी ने एपी कार्ड बनाए हुए हैं, बस भाड़ा भी नहीं लगता। बुजुर्गों व साथियों, अनुसूचित जाति के चमार और धानकों को 90% सब्सिडी भेड़ बकरी पालन के लिए भारतीय जनता पार्टी दे रही है। बुजुर्गों व साथियों, अगर कोई भाई उद्योग लगाना चाहे, चौधरी बंसीलाल जी की नीति बहुत अच्छी थी, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थी, लेकिन उस भूपेंद्र हुड्डा ने उसको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो बापू बेटा हिसाब मांगते हैं, वो हरियाणा गिरवी रखे गए थे, उसका कर्ज भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। बुजुर्गों व साथियों, आज हमारे गाँव में मैं मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य होंगे। हमारी खुद की एमपी है, हमें उधार का एमपी नहीं चाहिए। बुजुर्गों व साथियों, हमारे पास आज दावा और विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे तोशाम विधानसभा क्षेत्र की आन बान शान के लिए मैडम लड़ाई लड़ेंगी और वह पुरानी शान मैडम जी लेके आएगी। धन्यवाद। मेरे अब की बात याद आ गई, कहते थे आज नहीं देंगे तो कल दे देंगे, आज वही बात हो गई। अब मैं ये जो है, मैं ही इनके पास आ गई और क्या चाहिए भाई। सच्चाई ये है, सच्ची बात बता रही हूँ, मेरा तो भाई भाजपा में आने के बाद 20 आ गया है, सच्ची कह रही हूँ। मैं दम घुटता था वहां, क्योंकि वहां खाली और खाली षड्यंत्र, एक दूसरे को कुकर मारे, किस तरह से जो है इसको नाश करें, यही बापू बेटे का काम। आज जो है कांग्रेस नाम की कोई चीज रही नहीं, बापू बेटा रह गए। और अब जो टिकट वितरण हुआ है ना, आज देखे हो गए सोशल मीडिया पे चल रहा है, सारे अस्पताल में जाके भर्ती हो गए। वो इसलिए क्योंकि सारे कपड़े उनके कपड़े लगते फाड़ने खातर हांड रहे हैं, सारे ढूंढने खातर भाई किससे किससे बाबू किससे बेटा किससे। और वो बाबरिया जो है दूसरा जो इनका प्रभारी वो कहा है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोली, हरेक को झूठ बोल के छापी लगा के कि भाई टिकट तेरे को भी दूंगा, तेरे को भी दूंगा, तेरे को भी दूंगा। 15 आदमी खड़े कर दिए, जिनमें से 4 तो ऐसे होंगे जो महत्वाकांक्षी होंगे, वो तो खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे, अच्छी बात है। और वो भाई फिर किसका नाश करेंगे, वो कांग्रेस का नाश करेंगे, इसमें तो कोई दो बात दोहराई की बात नहीं। तो ये जो है इनकी कहानी तो होगी खत्म। और ये जब मैंने ये देखा कि इसने हाथ मिला रखे हैं, क्योंकि इसके सिर के ऊपर तो लटक रही है तलवार ईडी की, सारे के सारे जैसे बता रहे थे सारी जमीनें नाप ली किसानों की, जो है बड़ी बड़ी जो है पूंजीपतियों को बेच दी, औने पौने दाम के अंदर किसान की ले ली, यही हाल करे इन्होंने तो सारे। ये कोई छुपी हुई बात है नहीं, आपके सबके सामने है ये बातें, और आज जो है उसका भुगतना पड़ेगा इनको नतीजा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा मान सम्मान के साथ मुझे लाए, मैं तो भाई अब 40 साल वहां बिताए थे, अब भगवान ने जितना टाइम दिया ना इस शरीर में, एक तो भाई भाजपा की सारे रंग में रंग पूरा हो गया मेरा। और काम करने वाले लोग, संगठित लोग, संगठन के लोग, और किसी है भाई बताओ, हाँ डिसिप्लिन के लोग। और देखो जो मुझे राज्यसभा में लेकर आए, अब जो है मौका मिला है नेशनल लेवल पर
अपने जो है देश की हित की बात रखने का, अपने प्रदेश की हित की बात रखने का, और खास तौर से अपने इलाके की जो बात, जो मुसीबत है, जो समस्या है, उनको उजागर करने का और उनको आगे बढ़ाने का, सही करने का मेरा है ना सपने। सपने में रहे कन्यादान साहिब जो है अपने दुश्मन से करवाया। बहू जी बैठे साथ के रह गए कि भाई मैंने बुला होगा, राज जो है शादी में नहीं बुलाया। और फिर यही छोरे ने फोन करके कहा, हम सारे बैठे हुए थे कोठी पे कि भाई जाके जो है कन्यादान डाल के आए। फोन करके कहा कि खबरदार अगर आ गए ना बहू जी के बारे में तो टांग तोड़ दूंगा। ये छोरे ने कही ये व्यवहार उसकी बात करें भाई। हाँ कितनी जल्दी वारिस बन गए, जीते ये तो वारिस है नहीं, मरण उपरांत जो है भाई वारिस कोई भी बन जाए। और वारिस का क्या मतलब, वो कहते हैं ना विरासत, हम कोई राजे महाराजे थे ना कि विरासत 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 बात करते हैं भाई। सच्ची बात है नहीं, विरासत तो उसकी होती है भाई जो काम करता है। विरासत काम की होती है, होती है नहीं होती है। हम राजे महाराजे तो है नहीं, कोई हमारा कोई छोरा उसका होगा तो उसका छोरा उसका छोरा उसका छोरा, ये तो नहीं है ना। 20 साल काम करा है भारत, 20 की रही हूँ, रही नहीं रही हूँ, लगातार आई हर चीज का जो है समस्या का हल करने की कोशिश करिए। दबा दबा के पैसे दिए है ना, पानी का हो किसी और का काम हो, सारा जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भाई याद रखियो जो इस तरह के लोग हैं। और चौधरी, हाँ ये तो बता दूं मैं, चौधरी बंसीलाल जी के जीवन काल में सुरेंद्र सिंह जी के सामने इसके बाबू ने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से, और उस समय चौधरी बंसीलाल जी की और बीजेपी की जो है मिली जुली सरकार। इसलिए देखो भगवान का घटनाक्रम देखो तो ये कमाल अचंभा है भाई। भगवान का घटनाक्रम ये कि सुरेंद्र सिंह के खिलाफ इसका बाबू लड़ा था, उसकी जमाना जब्त करवा के भेजा था लोगों ने, पूरी जमाना जब्त करवाई थी अच्छी तरह, है ना। ये भाई आ गया छोरा तो भाई इसके वही कर दिया बाबू ने करा था। तो ये कहने का मतलब ये कि इस तरह के लोग जो जींदे जी तो बाबू जैसे ही, जो करा सो करा वो पुरानी बातें सामने के बताऊं मैं। यहाँ पर इन्होंने मुडाल हल्के से इलेक्शन लड़ा था, मुडाल से, मुडाल हल्के ने इनको डका दिया, तो भाई उसको हल्के को ही खत्म करवा दिया, खंडित करवा दिया, हल्का ही नीरा मुडाल हल्का टूट गया। फिर पहुंच गए बाड़ा, तो और मैं उस समय जो है नई नई एमएलए बन के आई थी, परिसमन हो रहा था, परिसमन का मेंबर इसका बाबू था, जान के मुडाल को खत्म करा, क्योंकि इन्हें मेरा था भाई नहीं खत्म हुआ तो हमने लड़ना पड़ेगा और वो हमने चेप के भेजेंगे, समझ रहे हो। मेरे को पता चला हमारा सुशाम हल्का भी जो है इसको भी जो है अलग अलग कर रहे थे, कुछ इधर भाग रहे थे, कुछ उधर डाल रहे थे, कुछ उधर डाल रहे थे, सारा बजाया मैंने, तो मेरा भी नहीं, क्योंकि ये ऊपर की काम है, सारा ये हल्का जोड़ के रखा मैंने, पर इस समय में इसको टूटने नहीं दिया, नहीं तो तुशाम नाम जब ये भी खंडित हो जाए। फिर उसके बाद गए ये बाड़ा, बाड़ा में 3 बार हरा के गाला। एक जो है नहीं सोचे कि भाई बावले हैं तो शाम वाले बावले को तुम हमने बावला माना है भाई है। इसने जो रिवेरा और तुशाम वाले इतने शाने हैं सारे हिंदुस्तान में, सबसे शाने लोग बात करें कांग्रेस के बंटवारे को लेकर के, वो आपस में नेताओं भी भिड़ रहे हैं, वो कह रहे कि पहले छोटे से कैंडिडेट उतार रहा है, भवानी खेड़ा की बात करें या नलकों की बात करें, तो किस तरह देखते हैं कांग्रेस में तो होता ही है भैया, दोनों बाबू बेटा सारे जो है पार्टी का बाबू बेटा करते हैं, सारे झुकते आंट रहे हैं, क्योंकि सबके कपड़े लगते जो है लोग ढूंढ रहे हैं उनको पकड़ने के। हाँ थोड़ी ये कांग्रेस में ही हमेशा से होता है, कांग्रेस अपने आप को ही खत्म करती है, कांग्रेस नाम की चीज नहीं रहेगी, खाली बाबू बेटा पार्टी रहेगी। जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस में काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, उसकी जगह पैराशूट कैंडिडेट उतारा जाता है, बात करें विनेश फोगाट की, गोहाना से टिकट दी गई है, तो किस तरह से देखते हैं, जो खिलाड़ी के तौर पर दी गई है टिकट दी गई, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग जो हैं उनको चाहते हैं,
जो उनके बीच में रहकर काम करते हैं, जो उनके स्थानीय हैं। और वो वाली पुरानी बात चली गई कि पार्टी ने किसी को भी टिकट दे दी और भाई जिता के घर काम नहीं करा तो वो किस हक से जाएगा वोट मांगने, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अब वो वाली कहानी खत्म हो गई। अब वह लोगों के बीच में रहने वाले लोग जो रहेंगे उनको लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे भी पार्टी बात करी, नालों की बात करें, आप पार्टी की बात करते हैं, हरियाणा में कितना ज़्यादा देखते हो? भाई मैं तो कुछ नहीं देखती। जनादार की बात करें, मैं तो कह रही हूँ ना, दिखता ही नहीं। उसको टिकट भी मिला है तो शाम से आपके विपक्ष में करेंगे, कांग्रेस से टिकट मिला है तो कोई विरोधी को तो मिलेगा ही, विरोधी है कोई ना कोई सामने आएगा। जहाँ तक विरासत की बात है, मैंने कहा विरासत जो है काम की होती है, चौधरी बंसीलाल जी का नाम है और हमने काम करा है उनके आगे, तो भाई वो है विरासत। और चाहे कोई भी स्वयंभू बन के कुछ भी विरासत मांगने लगे, मांग लो, क्या फर्क पड़ता है। नामांकन की अपने बात की तो शाम से कितने बजे नामांकन किया जाएगा, कौन कौन से नेता जैसे हम लोग पहले बताया था उसमें 12 तारीख को श्रुति चौधरी नामांकन बनेगी 10 बजे। तो मेरी सबसे आपके जरिए जो है सबको निमंत्रण दे रही हूँ कि आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटी को आइएगा माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जो है तो शाम की बात करें, लगातार जनता के बीच जा रहे हो, कोई पानी की समस्या बता रहा है, कोई कैसे बता रहा है, तो विधानसभा बनने समिति किस तरह से समस्या को दूर करेगी? पानी की समस्या है पूरे हल्के में, इसमें कोई शक्ति बात नहीं। आज जो है हालात ये नहरों के अंदर पानी नहीं है, लेकिन जो पानी है वो पानी का सही तरीके से उसके लिए पूरी तरह से योजना।